भाजपा क्यों पका रही है बहुजन समाज के नाम की खिचड़ी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, उस तरीके से बीजेपी अपने नए नए रंग दिखाती जा रही है। बहुजन समाज को जोड़ने के लिए खिचड़ी के जरिए जाति गणित कितना फिट कर पाएगी बीजेपी। दिल्ली बीजेपी अपने सभी मोर्चों के बैनर तले राज्य जनता से जुड़े रहने की कोशिश में लगातार प्रयास कर रही है। उसी तरीके से एससी एसटी ओबीसी के लोगों को जोड़ने के लिए बीजेपी अपने सभी राजनीतिक तरीके लगाने लग रही है। आखिर भाजपा जो ये खिचड़ी बना रही है वो आखिर किसे खिलाने वाली है? बहुजन समाज के लोग खिचड़ी खाकर ही बड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने एजुकेशन की बात नहीं करनी है, हॉस्पिटल की बात नहीं कर रही है। एक तरफ आरक्षण को हटाती है, दूसरी तरफ संविधान को बदलने की बात करती है, लेकिन अगर बहुजन समाज के वोट की बात आए तो उन्हें खिचड़ी खिला के खुश कर देना चाहती है। यह खिचड़ी वो रामलीला मैदान दिल्ली से बनाने वाले हैं, जिसपे 5,000 किलो का खिचड़ी बना के एससी एसटी ओबीसी के लोगों को खिलाकर उनका मन जीतने की अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली है। इस खिचड़ी को खिला के बीजेपी दलितों के ऊपर अपना गिनीज वर्ल्ड में नाम रिकॉर्ड करवाने जा रही है कि बहुजन समाज के लोगों को खिलाई खिचड़ी। हम आपको बता दें कि भाजपा जो ये खिचड़ी बना रही है उसकी रणनीति ये है कि इस खिचड़ी को लगभग 3 से 3.5 लाख परिवारों से अनाज जुटाकर बनाया गया है। अब भाजपा ये जान चुकी है कि बिना बहुजन की वोटों के अपनी आप को सत्ता में वापस लाना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो कई सारे नई नई राजनीति हथकंडे अपनाने लग रही है। उसमें से भी एक ये हो सकता है कि बहुजन समाज के लोगों को खिचड़ी खिलाने वाली है। हम आपको बता दें कि समस्त खिचड़ी के लिए डोर टू डोर कैंपेन चलाने और चावल दाल मांगने के लिए पार्टी लगभग 30 से 35 हजार एससी मोर्चों के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली में बीजेपी के 280 मंडल हैं और हर मंडल पर 100 कार्यकर्ताओं की टीम बनाई गई है। पार्टी की तरफ से समरसता खिचड़ी के लिए 5,000 किलो चावल दाल जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। पार्टी के प्लान के मुताबिक अगले रविवार को यानी 6 जनवरी को दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में भीम महासंगम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 1 लाख एससी समुदाय के लोग पहुँचने का लक्ष्य रखा गया है। अब कौन कौन जाएगा इस खिचड़ी को खाने? क्या वो वाकई बहुजन समाज के लोग इतने निडेबल हो गए हैं कि वो खिचड़ी खाने रामलीला मैदान जाएंगे? तो आइए देखते हैं कौन कौन जाएगा खिचड़ी खाने रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट।